हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बोया का माइक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि मेरे पास है। मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास माइक है और ये मैंने बाय किया था अमेजोन से। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा माइक है, और ये अगर आप माइक लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मन में बहुत कन्फ्यूजन भी होता है कि मैं कौन सा माइक लूँ। क्योंकि मैं अगर ये माइक जब बाय किया था उस टाइम मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई ये माइक अच्छा होगा या नहीं होगा, ऑडियो क्वालिटी कैसा होगा। और सबसे पहले तो ये होता है कि आपको माइक का, कौन से माइक का आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। लेपल माइक चाहिए या DSLR के ऊपर लगाने वाला माइक चाहिए या मोबाइल फ़ोन में लगाने वाला माइक चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बोया का माइक है। ये माइक जो है मोबाइल फ़ोन में भी काम करता है, DSLR में भी काम करता है, और ये DSLR मोबाइल के ऊपर लगता है। इसमें माउंट भी दिया गया है जिससे आप बहुत आसानी से अपने ट्राइपॉड में भी लगा सकते हैं, कैमरा में भी लगा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैमरा में कैसे लगाना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, इसका वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लाइक कर दीजिए। वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स। अब 30 लाइक्स देखते हैं कि इस वीडियो पे कंप्लीट होता है या नहीं हो पाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे पैकेट जो है अमेजन के तरफ से मिला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये अमेजन से बाय किया हूँ, तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पे दोस्तों यहाँ पर मुझे इसके अंदर में कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है एड्रेस लिखा हुआ है और एड्रेस के सिवा इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए इसको साइड करते हैं। बात रहा पैकेजिंग का, तो भाई पैकेजिंग अमेजन का मुझे कभी भी सही से नहीं मिला है। मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करता हूँ तो उसका जो सही होता है ना वो मुझे कभी भी नहीं मिला है, हमेशा कचरा कर देते हैं वो डिलीवरी को। पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके एड्रेस पे अच्छे से आता हो। मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट से अच्छे से मिलता है, पर फ्लिपकार्ट पे ये माइक मुझे थोड़े से महंगे मिल रहे थे। इसके दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर दिख रहा होगा तो, कि ये जो है आपको हर मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, DSLR में, कैमरा में, कैमकॉर्डर में, ऑडियो रिकॉर्डिंग ETC सब में ये जो है सो हो जाएगा। बैटरी, नो बैटरी रिक्वायर्ड। बहुत सारे माइक आप देखते होंगे जिसमें बैटरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पर इस माइक में आपको बैटरी लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगता, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल जाता है। इसके अंदर डब्बे को तो कचरा बन चुका है, इसके साथ मुझे बिल मिलता है जिसमें प्राइस लिखा हुआ है कि कितने में मुझे ये मिला है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको साइड करता हूँ। ये रहा मेरा डब्बा। डब्बा के अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं बोया की तरफ से, यहाँ पर लिखा हुआ है बोया यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन। नीचे लिखा हुआ है कॉम्पेटेबल विथ मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, उसके बाद यहाँ पे DSLR है, और कैमकॉर्डर जो होता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला होता है वो है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रैच कोटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। पीछे मैंने आपको दिखा दिया, डब्बे को कचरा बन चुका है, पर कोई बात नहीं, चलिए इसे ओपन करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कुछ मिलता है। इसके अंदर में यहाँ पर एक वारंटी कार्ड है, ये डब्बा है, इस डब्बे को करते हैं साइड। यहाँ पर मुझे मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये मैनुअल मिल जाता है, जो कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि ये पता है कि इसे कैसे यूज किया जाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये मिलता है प्लास्टिक का डब्बा जिसके अंदर में माइक रखा हुआ है। तो मेन जो प्रोडक्ट है वो तो यही है, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो मिल रहा है ना आपको, ये इसमें माइक जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, ये निकल भी जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों नॉइज रिडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। बाहर जब आप ऑडियो को शूट कीजिएगा तो जो हवा आता है और जो फड़फड़ाने का आवाज़ आता है माइक में, वो नहीं आएगा इससे। और इसके अंदर में माइक लगा हुआ है जिसका केबल, यहाँ देख सकते हैं, इसमें केबल जाएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये जो है ये आपको एडेप्टर है, इसे आप ट्राइपोड जैसा बोल सकते हैं, स्टैंड करने के लिए माइक। और ये जो है आप पीछे नीचे देख सकते हैं, ये कैमरा के अंदर लगाकर और इसे होल्ड करना होगा। उसके दोस्तों बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये मिल जाता है मोबाइल फ़ोन के लिए केबल। ये मोबाइल फ़ोन के लिए, ये है DSLR के लिए। एक जो है लगेगा माइक के पीछे और एक जो है लगेगा आपको DSLR के माइक्रोफोन वाले ऑप्शन में।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मिल जाता है मोबाइल फ़ोन के लिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज करना चाहते हैं तो एक माइक के अंदर लग जाएगा और एक जो है आपके मोबाइल फ़ोन के ईयरफोन वाले में लग जाएगा। ये जो है दवा नहीं है, इसे साइड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके साथ एक लेदर का पाउच मिलता है, दिखने में तो लेदर ही लग रहा है पर मुझे पता नहीं क्या है। ये आपको एक पाउच मिल जाता है जिसके अंदर में कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर में माइक मिल जाता है और ये पाउच है। चलिए मैं आगे आप दिखाता हूँ इसको कैसे क्या करना है। ये मिल जाता है आपको माइक, इसे पहले निकालते हैं यहाँ से। निकल जा भाई, ये निकल गया। ये जो माइक है ये इसको आप अंदर से निकाल भी सकते हैं, यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो ये आपका माइक निकल गया। मेन जो माइक है ना ये यही माइक है, ये साउंड यहाँ से लेता है और ये सब जो है ना स्पीकर जैसा है, ये सब जगह से साउंड लेता है। और ये जो है ये लगेगा इसमें एक केबल, और एक केबल की तरफ से जो है लगेगा DSLR में, तो ये जो है ऐसे लग जाएगा। ये साइड जो है आगे रहना चाहिए ऐसे, ठीक है। अगर लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, पर ये लगाने लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको अंदर ऐसे कर दीजिए, पूरा अंदर चला जाएगा। यहाँ पे एक बोया का ब्रांडिंग मिल जाता है, इस पे भी बोया का ब्रांडिंग मिल जाता है। मॉडल का जो नाम है वो है बोया बाय MM1। आपको लिंक मिल ही जाएगा, आप नीचे देख सकते हैं, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था अमेजन पे, प्रोडक्ट भी सही है अभी तक जहाँ तक मैं देखूँ। अब बात करते हैं मैं DSLR से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं बताता हूँ कि DSLR से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये है माइक और ये है केबल, ये लगेगा DSLR में, ये लगेगा माइक के पीछे जो कि मैंने लगा डाला, और ये जो है नीचे ये लगेगा DSLR के बैक में। अब DSLR के बैक में कैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं फ़ोन का कैमरा स्टार्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इससे पहले अटैचमेंट लगाना होगा जिससे ये DSLR के ऊपर ऐसे लग जाएगा। अटैचमेंट के लिए अगर मैं दिखाऊँ तो ये मिलता है होल्डर, इसे होल्डर बोलते हैं। इसको क्या करना है, ऐसे आपको लगा डालना है इसमें, तो ये जो है इसमें ऐसे लगेगा। बहुत प्रेस करने के बाद इसके अंदर में ये लगा है। अब ये जो है DSLR के ऊपर जो दिया हुआ रहता है ऐसे माउंट करने के लिए, उसमें आपको माउंट करके और इस नट को कस देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन कर लेता हूँ क्योंकि DSLR में लगाकर आपको दिखाना होगा। तो मेरे फ़ोन का कैमरा क्वालिटी भाई अच्छा नहीं है, इसलिए हंसना मत, और बैक में जो भी आलतू फालतू दिखे उसे भी इग्नोर करना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि ये मेरा आप देख सकते हैं DSLR है, तो अब क्या करना है, ये जो है आपको ये वाला पार्ट जो है माइक में ये आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। कैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, तो इसके अंदर में ऐसे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे टाइट करने वाला, इसे ज़रूर टाइट कर दीजिएगा। ये हो गया भाई यहाँ पे टाइट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सो गाइज यहाँ पे मुझे मिलता है केबल, देख सकते हैं यहाँ पे DSLR में ये जो केबल है जो यहाँ पे मिलता है इसे लगाना है इसमें। सो गाइज इसमें जो है ये लग चुका है, देख सकते हैं ये इसमें लग चुका है। लगने के बाद ये सामने से कुछ ऐसा आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमरा हो गया, ये स्क्रीन हो गया, और ये आपको माइक कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ये माउंट जो है सेट होगा, तो माइक सेट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका ऑडियो क्वालिटी। सो गाइज बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका DSLR में जो है ऑडियो सही से नहीं आता है, और वो बोलते हैं कि ये माइक DSLR के लिए नहीं है। आपको अमेजन पे ऐसे ऑफर भी दिख जाएगा, ये सबको मत देखना जो नीचे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों दिखता है। जब आप DSLR में अपने माइक को कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है कि माइक का आइकन बना हुआ और वहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। तो बहुत भाई लोग ये नहीं देखते हैं, डायरेक्ट माइक को कनेक्ट करते हैं और वीडियो जब वो बनाते हैं तो उनका ऑडियो नहीं आता है, फिर वो बोलते हैं कि वे माइक जो है कैमरा के लिए नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वह सेटिंग आपको कैसे करना होगा, उसको ऑन कैसे करना होगा। सो गाइज आपको सेटिंग यह करना होगा कि आपको अपने कैमरा को ओपन करना है, मेनू पर क्लिक करना है। मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ इस कैमरा का नाम है कैनन 800D। अब ये कैमरा हो सकता है आपका तो उसका सेटिंग अलग होता है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। करना क्या है, मेरा मैं शूटिंग यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है, ओके पे प्रेस करेंगे, यहाँ पर मिलता है एक साउंड रिकॉर्डिंग, ये ऑटो है। ऑटो में क्या होता है, माइक लगाएंगे, कभी कभी कोई माइक कनेक्ट नहीं होता है और ऑटो में ऑटोमेटिक ये ऑडियो रिकॉर्ड करता है, तो इसे
यहाँ पर क्लिक करना है और देखना यह है कि हम जो माइक लगाए हैं वो माइक से आवाज आ रहा है या कैमरा रिकॉर्ड खुद कर रहा है, कैमरा वाला माइक देख सकते हैं ये हिल रहा है पूरा, यानी कि मैं माइक पर क्लिक करने पे ये फुल हो रहा है। अगर मैं माइक के सामने जाकर बोलता हूँ देख सकते हैं, अगर माइक के सामने जाकर मैं बोल रहा हूँ तो वो ऑडियो वाला फुल हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। क्या करना होगा, कभी कभी साउंड रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो ऑटो पे आ जाइएगा, मैनुअल कर दीजिएगा। अब मैनुअल में देखिए ये माइक फुल रिकॉर्ड करने लगा, ठीक है, ये माइक फुल रिकॉर्ड कर रहा है। कभी कभी माइक लगाइएगा आप तो ऑडियो बहुत कम रिकॉर्ड करे, लगेगा कि आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेवल है, आप चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे भी बोलूँ तो ये ऑडियो सही रिकॉर्ड करे, तो इस पर क्लिक करने के बाद इस लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो धीरे से भी बोलिएगा तो ये बहुत तेज रिकॉर्ड करेगा, पर इसे कम करके रखिएगा क्योंकि आवाज़ कान को चुभे नहीं। तो ये सेटिंग आपको कर देना है। और चलिए अब मैं आपको सेटअप पे चलता हूँ और ऑडियो को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑफ अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक नया माइक का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका माइक जो है मैनुअल मोड में है, एम लिखा हुआ है। सो गाइज, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं मेरे लेपल माइक का, मेरे लेपल माइक जो मुझे मेरे कॉलर पे अभी लगा हुआ है, इसका ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं। मैं जो भी अभी आपको डिफरेंस दिखाऊंगा उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी इसका ही निकलेगा, ये गारंटी है। ये इसलिए क्योंकि ये मेरे बहुत पास में लगा हुआ है और इसका ऑडियो ना तो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है ना तो लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है मेरे बगल में रखे हुए लैपटॉप से। अब लैपटॉप से रिकॉर्ड करता हूँ और उसी में नॉइज रिडक्शन जो होता है, जो बैकग्राउंड में सनसनाहट का आवाज होता है, उसे रिड्यूस करता हूँ। अब चलिए मैं आपको अपने मेन DSLR का माइक का क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं मेरे DSLR का जो माइक होता है, जो DSLR में अंदर में ही दिया हुआ रहता है इंटरनल, उस माइक का जो है आप ऑडियो सुन रहे हैं। अभी मैंने कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, कॉलर में भी कोई माइक नहीं है और कैमरा में भी कोई माइक नहीं है। जो कैमरा का ऑफिशियल माइक है उसका आप ऑडियो सुन रहे हैं। अब चलिए मैं बोया का जो जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया हूँ उसका माइक का टेस्ट करता हूँ। सो गाइज, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं बोया का माइक का, जो भी अनबॉक्सिंग किया हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो बोया का माइक मैंने मतलब लगाया है कैमरे के ऊपर, वो मुझे मोबाइल फोन में भी दिख रहा है कि यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल फोन में कैमरा कनेक्ट हो जाता है वाईफाई से। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा पाऊँ, दिखा तो नहीं सकता क्योंकि कैमरा बहुत डिस्टेंस पे है। ऑडियो क्वालिटी डिस्टेंस सेम है तो आप सब माइक में आप फर्क देख सकते हैं। ये बोया का माइक मुझे बेस्ट लगा अगर ब्लॉगिंग करना है तो, उसके लिए भी यूट्यूब के वीडियो बनाना है उसके लिए भी। बाहर का अगर मैं साउंड अगर बताऊं तो बाहर का बहुत साउंड आ रहा है, खिड़की भी मेरा विंडो जो है ओपन है, सब कुछ ओपन है, साउंड को मैनेज आप कर सकते हैं। मुझे कैसा लगा तो मुझे ये माइक प्राइस रेंज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से ये माइक मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कंपेयर कर लीजिए सारे ऑडियो को सुनकर और नीचे लिंक मिलेगा, बाय करना चाहते हैं खरीद लीजिए। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि ये माइक जो है बहुत अच्छा माइक है अगर आप ब्लॉगिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो अगर आप यह माइक लेना चाहते हैं या लेपल माइक लेना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेपल माइक में क्या होता है कि आपको अगर इंटरव्यू शूट करना है, देखते होंगे कि जब भी न्यूज़ एंकर जो यूज करते हैं वो लेपल माइक ही यूज करते हैं, या कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें यही माइक यूज किया जाता है क्योंकि इसका ऑडियो क्वालिटी बाकी सबसे बेस्ट होता है। पर अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, आप सोच रहे हैं कि आपके पास कैमरा रहे, उसी कैमरा में माइक जो है ऐड रहे, उसका वायर जो है लंबा ना रहे, प्रॉब्लम ना हो, तो आप यह बोया का माइक जो है इजीली बाय कर सकते हैं। दोनों का नाम बोया ही है पर ये बोया का लेपल माइक हो गया और वो बोया का जो है वो जो है सो DSLR के ऊपर भी लगा सकते हैं और ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है। तो मोबाइल से भी आप ब्लॉगिंग अगर करना चाहते हैं तो ये माइक आपको जो है सो बेस्ट है। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, दोनों का प्राइस आप चेक कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर बाय कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।